फारबिसगंज जूट उद्योग के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी स्थिति यह है कि किसान जूट उद्योग छोड़कर मकई की खेती करने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ चुनावी चौराहा में यहाँ पर यहाँ की आम जनता है, साथ ही साथ यहाँ पर एनडीए के नेता हैं, साथ ही साथ यहाँ पर महागठबंधन के नेता हैं। पहली सवाल आपसे कि ये बताइए कि आपके उम्मीदवार को जनता क्यों चुने? इसलिए कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और पूरे सबका साथ सबके विकास के लक्ष्य को लेकर पूरे देश में काम हो रहा है और वैसा ही काम बिहार में हो इसको लेकर के एनडीए की सरकार बिहार में बनना चाहिए, ये लक्ष्य लेकर के भाजपा जो है इसमें आगे बढ़ रही है। आप बताइए कांग्रेस के आप नेता हैं, महागठबंधन को जनता क्यों चुने? महागठबंधन को जनता इसलिए चुने कि नीतीश के नेतृत्व में, चूंकि नीतीश को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया है, नीतीश के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में काफी विकास हुआ है और बिहार में विकास देखने को मिलता है। आज सड़क देखिए, पुल पुलिया देखिए, चाहे बिजली की स्थिति देखिए, सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है। आज लड़कियों को देखिए कि ये भी तो कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी की सरकार चाहती है कि सबका साथ सबका विकास, इनका नारा है। अभी तक मोदी जी ने 1.25 साल में ऐसा कोई भी काम करके नहीं दिखलाया है जो जनता की नजर में आवे कि वो विकास कर रही है। एक चीज बताइए कि क्या विकास हो पाया है? नहीं नहीं, विकास नहीं हो पाया है। जब तक सुशील कुमार मोदी के साथ नीतीश कुमार जुड़ा हुआ था उस समय कुछ विकास की झलक दिखी थी बिहार में, उनके गठबंधन टूटने के बाद आज बिहार फलप हो गया है, क्राइम बढ़ गई है, रात दिन मर्डर हो रहा है। क्या शिक्षा का स्थिति ठीक है यहाँ पर? जी नहीं, शिक्षा की स्थिति कुछ नहीं ठीक है। जिस समय मोदी के साथ थे, सुशील कुमार मोदी के साथ बिहार में थे, एनडीए की सरकार थी, गठबंधन के साथ थी, तब तक ठीक थी। अभी लालू के साथ जुड़े हैं महागठबंधन में, उस समय से शिक्षा भी बेकार चली गई। लालू के समय में भी शिक्षा बेकार थी, नीतीश कुमार आए, सुशील मोदी के साथ थे, कुछ शिक्षा कुछ हद तक ठीक थी, उसके बाद फिर महागठबंधन के साथ चल गए, शिक्षा की हालत बहुत खराब चल